मेहमान संगीत विभागाध्यक्ष राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा की डॉक्टर प्रेरणा शर्मा जी है। डॉक्टर प्रेरणा शर्मा जी से संगीत के बारे में हम जानेंगे, साथ ही इनके जीवन परिचय से भी हम रूबरू होंगे। आइए बात करते हैं डॉक्टर प्रेरणा शर्मा जी से। डॉक्टर प्रेरणा शर्मा जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर प्रेरणा शर्मा जी, अपने जीवन परिचय के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, आप कहाँ से हैं और कहाँ कहाँ रहते हुए आपने इस यहाँ तक का मुकाम हासिल किया। जी, बेसिकली मैं उत्तर प्रदेश से हूँ जी, लेकिन मेरी सारी एजुकेशन राजस्थान की है, जोधपुर की जी। जोधपुर शहर से मेरी स्कूली शिक्षा और कॉलेज शिक्षा पूर्ण हुई जी। उसके बाद मैंने बीकानेर में ज्वाइनिंग थी मेरी 1992 में जी। 93 से मैं JDB गर्ल्स कॉलेज कोटा में संगीत विभाग में आई जी, और तब से अनवरत मैं यहीं पर हूँ। कॉलेज बाइफर्केट होने के बाद राजकीय कला कन्या महाविद्यालय में बदल गया जी, और मैं अनवरत इस शहर की आबोहवा का लुत्फ उठा रही हूँ। बहुत बड़े डॉक्टर प्रेरणा शर्मा जी, संगीत शिक्षा आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में काफ़ी कारगर सिद्ध हो रही है। संगीत शिक्षा का महत्व और उद्देश्य क्या है, दर्शकों को बताएं। जी, संगीत तो बचपन से लेके, बिल्कुल बचपन से लेके और आपकी जीवन यात्रा के अंत तक हर जगह संगीत है। सृष्टि का जो मेन, जो सृष्टि का मोटिव, वो मेन जो चीज़ है सृष्टि की जी, वो संगीत है। बिल्कुल, नाद जिसे हम कहते हैं, संगीत में भी हम पढ़ाते हैं, तो नाद ब्रह्म, बिल्कुल बहुत गहरा इसका अर्थ है और संपूर्ण सृष्टि संगीत के इर्द गिर्द ही है। बिल्कुल, तो उस संगीत से जब हम जुड़ते हैं, तो जब हम आप उसके महत्व और उसके उद्देश्य की हम बात करते हैं जी, तो उद्देश्य तो परम तत्व को प्राप्त करना है। बिल्कुल, और महत्व ये है कि आपको जो जीवन मिला है, ईश्वर ने जो जीवन दिया है जी, उसको हम अच्छी तरह से भली प्रकार सब कार्यों को करते हुए, अपने उद्देश्यों को पूर्ण करते हुए किस तरह से कर पाएं, उसमें संगीत आपका साथ देता है और आपको हमेशा बल देता है जी। डॉक्टर प्रेरणा जी, आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो संगीत की तरफ झुकाव स्टूडेंटों का बढ़ा है जी, तो इसके पीछे क्या तर्क दे सकती हैं आप? संगीत एक बढ़ना, मेरे हिसाब से अभी कम बढ़ा है बच्चों जी, का जी। झुकाव, मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा संगीत सीखे। बिल्कुल, प्राइमरी स्कूल से बच्चों को संगीत शिक्षा, भारतीय शास्त्रीय संगीत शिक्षा सिखाया जाए, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए, इतने इस पर रिसर्च हो चुकी हैं, इतना साइंटिफिकली ये प्रूव्ड है कि अगर बच्चा म्यूजिक सीखता है, शास्त्रीय संगीत सीखता है या कोई इंस्ट्रूमेंट सीखता है, तो उसकी जो मेंटल एबिलिटी है वो बढ़ जाती है, उसकी रीजनिंग पावर बढ़ती है और वो साउंड होके पूरी लाइफ उसको सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करती है। बिल्कुल, तो अभी मुझे लगता है कि सरकारी स्कूलों में नहीं है, कुछ प्राइवेट स्कूल्स सिखाते हैं, कॉलेजेस में भी बच्चों की उतनी तादाद नहीं है जितना हम चाहते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से बहुत सारी उम्मीदें हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छा काम, ये एक बहुत हमारे लिए एक आशा की किरण लेके आई है जी, जी। कि बच्चे उसमें ये है कि आप अपने सब्जेक्ट्स जो हैं जिनमें आपको कैरियर बनाना है जी, उसके साथ साथ अपना कोई दूसरा सब्जेक्ट भी आप चुन सकते हैं जिसमें आप एज ए हॉबी उसको जी, सीख सकते हैं। तो संगीत जब बच्चे सीखेंगे तो मुझे लगता है आपकी, जैसे शरीर के लिए खाना महत्वपूर्ण होता है, सांस के लिए ऑक्सीजन महत्वपूर्ण होती है, वैसे आत्मा के लिए, मन के लिए,
मुझे लगता है संगीत बहुत महत्वपूर्ण। बिल्कुल डॉक्टर प्रेरणा जी, देखा जाता है कि जो व्यक्ति संगीत में पारंगत होता है या थोड़ा बहुत भी संगीत में होता है तो वो डिप्रेशन से भी बाहर रहता है, ऐसा आप तो संगीत की विशेषज्ञ की रही हैं, तो बताएं दर्शकों को कि संगीत कितना मतलब इंसान के लिए एक खुशियों देने वाला उपहार है। फ्रिक्वेंसीज जो देखे, जो जीवन में जो खेल है वो सारा दिमाग का, वो फ्रिक्वेंसीज का खेल है। जी जी। तो जो हम साइकोलॉजिकल भी, जब डिप्रेशन वाला व्यक्ति होता है तो साइकोलॉजी वाले भी बहुत सारे इस पर रिसर्च कर चुके हैं कि आप इनको ये राग सिखाएं, बल्कि हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत में राग भी हैं बहुत सारे। बिल्कुल। अलग अलग मूड वाले राग हैं जो हम उन्हें सिखा के डिप्रेशन से दूर करते हैं। लेकिन ये नौबत आए ही ना, इसके लिए यह है कि संगीत बच्चों को उस तरफ डाला जाए। और मुझे नहीं लगता कि सृष्टि में कोई भी प्राणी संगीत से अछूता है, हर कोई अट्रैक्ट होता है संगीत की तरफ, क्योंकि पूरी सृष्टि संगीत में है जी। आप लय में बंधा हुआ है, आपकी जो पृथ्वी की स्पीड है वो एक लय में चल रही है, आपका साउंड वेव्स हैं वो पर्टिकुलर एक लय के साथ चल रहे हैं, तो ऐसा जो नियम बनाया हुआ है ईश्वर ने, तो आप लय से स्वर से अछूते नहीं हैं, इसलिए उसको हमें पकड़ के रखना है। तो वो डिप्रेशन वाली स्थिति बिल्कुल आनी ही नहीं चाहिए, इसके लिए संगीत की तरफ हर बच्चे को, हर बड़ों को झुक जाना चाहिए। और जो बच्चे डिप्रेशन में आ गए हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा ये एक कारगर सिद्ध होता है। इसके कई हम लोग आजमा भी चुके हैं, बल्कि ये प्रैक्टिकली हम लोग देख भी चुके हैं। एक लॉकडाउन के टाइम पे ऐसा बहुत बच्चों के साथ आया था, और मेरे पास रात रात को भी फ़ोन आते थे बच्चों के, कई बार हमारे कॉलेज के बच्चों के फ़ोन आते थे कि मैडम क्या करें, क्योंकि वो एक बड़ा अजीब भयानक सा पीरियड था बच्चों के लिए। जी जी। तो उनको हमने धीरे धीरे मोल्ड करना शुरू किया, चलो तुम सीखो, ऑनलाइन उनको सिखाना शुरू किया। इवन मेरा बेटा 9th में था उस टाइम, और 9th के बाद उसको एकदम से ये लगा ये क्या हुआ, लॉकडाउन हो गया, सब बंद हो गया, एग्जाम हुए ही थे तब, कि सब आप घर में कैसे बैठे, 9th या 10th के बच्चों को घर पे बैठाना इतना मुश्किल था। वो मेरा टाइम ऐसा था, फिर मैंने उसको पहली बार सितार सिखाना, मैंने कहा नहीं तुम सितार सीखो, बहुत बढ़िया। तो मैंने उसको सितार सीखा, और वो अभी उसका लेवल ये है जी कि किसी भी तरह का डिप्रेशन, मैं ये बिल्कुल श्योर हूँ कि वो उसको ज़िंदगी में कोई डिप्रेशन नाम की चीज़ कभी होगी नहीं जी। अभी आईआईटी के वाले ये वाले एग्ज़ाम सभी उसने कर रहा है, वो सारा जी, जी। ये सब करने के बाद, और उसका डायलॉग कल परसों ही मैं कुछ पूछ रही थी, तो उसका ये था कि मैं कुछ नहीं, कुछ क्या है हासिल, सब कहते हैं कि क्या हासिल किया, तो क्या हाथ लगा, लेकिन कि कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं लगा, तजुर्बा तो हाथ लगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपकी लाइफ में फेल होना जैसा कुछ भी नहीं होता, फेल आप किसी भी कदम पे फेल नहीं होते, अगर आप संगीत के साथ हो तो आपकी सोल इतनी साउंड हो जाती है, आपका दिमाग इतना परफेक्ट हो जाता है, आप उन सब चीज़ों को ओवरकम कर जाते हो, और जो सृष्टि का, जीवन का जो सही मूल्य है जी, आप उसको पहचान जाते हो कि ये पास फेल तो एक छोटी सी चीज़ है। बिल्कुल। है ना। और लेकिन आपको जो सीखने की प्रक्रिया में जो आपको एक्सपीरियंस हुआ वो बहुत बड़ा है, और वो आपके जीवन पर्यंत चलेगा जी। डॉक्टर प्रेरणा जी, देश और विदेश की महान विभूतियाँ, चाहे वो बहुत बड़े उच्च पदों पे थे लेकिन फिर भी वो संगीत से लगाव रखते थे, तो कौन कौन से ऐसे महानुभाव हैं जो इस तरह संगीत से जुड़े हुए और उच्च पदों तक रहे? हाँ, मैं बहुत लंबी फहरिस्त है जी, अधिकतर सभी लोग जितने भी आप जानते हैं हम सभी, मैं सबसे पहला नाम लेना चाहूँगी हमारे राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आज़ाद साहब जी। जी, वो उनका ये कहना था कि मैं अगर साइंटिस्ट नहीं होता तो मैं म्यूजिशियन होता जी। जी। और इतना अच्छी रुद्र वीणा बजाते थे वो, और उनका प्रिय राग था श्री राग, उनका प्रिय राग था जी। और दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत के वो अच्छे गाता थे। अच्छा। और ऐसे ही आइंस्टाइन साहब भी बहुत अच्छे म्यूजिशियन थे जी। और वायलिन बजाते थे, वेस्टर्न म्यूजिक का जो मोजार्ट है उसमें एक्सपर्ट थे जी।
उनके बेटे ने एक का भी एक कोट आता है, बेटा बेटे ने कहा कि कहीं वो अटक जाते थे अपनी किसी प्रॉब्लम में जी तो वो बंद कर देते थे उसको, और उसके बाद वो म्यूज़िक की तरफ चले जाते थे और थोड़ी ही देर में वो उसका सॉल्यूशन, जिस प्रॉब्लम पे वो अटके थे उसका सॉल्यूशन उन्हें मिल जाता था। तो वो संगीत से पूरे लाइफ लॉन्ग जुड़े रहे जी। डॉक्टर प्रेरणा जी, आज बच्चों में पाश्चात्य संस्कृति का एक गानों में या संगीत में प्रभाव देखने को मिलता है, वो कहाँ तक कारगर साबित होता है? पाश्चात्य, देखिए जो पाश्चात्य जो क्लासिकल म्यूजिक है जी, जी। वो तो बहुत सुंदर संगीत है, संगीत तो कोई भी बुरा नहीं है, बिल्कुल है ना। लेकिन आपका जो संगीत की एक क्वालिटी है कि आप उसको रजोगुण की तरफ भी ले जा सकते हो और उसको आप तामस की तरफ भी ले जा सकते हो। एक्चुअल जो क्वालिटी उसकी है वो आप पवित्रता की तरफ या समाधि की तरफ जाने की होती है बहुत संगीत की। बहुत बढ़िया। लेकिन हम क्या होता है कि अगर इस तरह से उसको प्रेजेंट करते हैं तो आपके अंदर जो क्वालिटीज, ताकत तो संगीत में बहुत है, वो आपको ऊपर तक भी ले जा सकता है। और केवल आनंद आनंद, मतलब उस तरह का आनंद है, लौकिक आनंद में अगर आप फंसे हुए हैं तो भी वो, लेकिन मुझे लगता है कि एटलीस्ट बिल्कुल संगीत ना होने ना हो, इससे अच्छा कुछ तो हो। तो धीरे धीरे हम लोगों को, हमारा जो जो हम संगीत सिखाते हैं उन लोगों को ये हमारा कर्तव्य बनता है कि बच्चों को सिखाया जाए कि बेटा ये तो संगीत है ही, लेकिन एक्चुअल संगीत जो है उसको, उसकी तरफ भी आप जाओ। तो मुझे लगता है बच्चों की मुझे इसमें कोई गलती नहीं लगती, हमारा जो परिवेश इस तरह का बनता चला गया, आप बच्चों को जो परोसोगे बिल्कुल वही वो ग्रहण करेंगे। तो गलती हमारी है कि हमने परोसा उनको, उन्होंने वो ग्रहण किया। अब हमारी ही जिम्मेदारी है कि हम उसको धीरे धीरे उस प्लेट में से, एकदम आप पिज्जा दे रहे हो एकदम से बच्चा नहीं छोड़ेगा जी। तो आप उसको धीरे धीरे उसको थोड़ा सा उसी पिज्जा को आप अच्छा करना शुरू करो। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हम लोगों ने कॉलेज में खूब किए, क्लास में बच्चे आते हैं उनको क्लासिकल संगीत का लगता है कि क्या मैडम शास्त्रीय संगीत मिल गया। एक्चुअली कई बार हमारे यहाँ सब्जेक्ट देने की भी परंपरा होती है। अच्छा। तो मैं कहती हूँ तुम थोड़े दिन सीखो, नहीं अच्छा लगेगा आप चले जाना जी। उनको रोकने के लिए मुझे सीधा शास्त्रीय पे नहीं जाना पड़ता, मैं उनको उनके लिए जो उनको जो कैची लगती है चीज़ें, वो लोक संगीत से, लोक परिवेश से आए हुए हैं बच्चे, जी, जी, जी। पूछती हूँ कौन सा गाना आपको आता है, यानी उनकी रुचि के अनुसार, उन्हीं की रुचि के अनुसार, देखो ये ऐसे बजता है, इसका इसमें ये राग है, फिर उसको बताते हैं कि देखो ये गाना है इसमें राग ये है, इस राग के स्वर ये हैं, बेस इसका ये है। तो ऐसे धीरे धीरे उनका, बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप होता है और वो अपनी शास्त्रीय संगीत से परिचित होता है जी। डॉक्टर प्रेरणा जी, संगीत से एक अनुशासन का भी भाव पैदा होता है और नकारात्मक चीज़ें निकल कर सकारात्मक ऊर्जा मतलब मन में प्रवेश करती है। तो जो संगीत है उस संगीत को किस तरह एक बालक मतलब अपने हृदय में धारण करे, किस तरह मतलब वो आगे बढ़ाए इसको? जैसे अभी आप देख रहे हैं कि मोदी जी जिस तरह से लगे हुए हैं जी, मंदिर स्थापना, अभी नालंदा यूनिवर्सिटी का भी पूर्णोद्धार मैंने आज के पेपर में पढ़ा जी जी जी, कि ये ना कि ज्ञान खत्म नहीं होता। तो जो बीच में हम लोग कहीं खो गए थे जी, तो उसको हमें वापस लाने की ज़रूरत है। तो बच्चों को धीरे धीरे, हर मुझे लगता है हर स्कूल में आप कंपलसरी करें जी। बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट है आप उसको इंस्ट्रूमेंट सिखाएं सबसे पहले, बहुत क्योंकि केवल गाना नहीं सिखाएं, पहले इंस्ट्रूमेंट सिखाएं उसको, जो फ्रीक्वेंसी उस एग्जैक्ट इंस्ट्रूमेंट में फ्रीक्वेंसी जो है वो एग्जैक्ट आती है जी। तो वो फ्रीक्वेंसी जब बच्चों के कानों से मस्तिष्क तक जाती है तो वो उनके माइंड डेवलपमेंट में सहायक होती है जी। और वो धीरे धीरे उस चीज़ को, आप जिस चीज़ को सुनते हैं, अच्छा संगीत सुनेंगे तो अच्छा लगने लगता है। तो
तो वो एक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, इसलिए बचपन से अगर आप उनको अच्छी चीज़ें परोसेंगे तो थोड़े दिनों बाद वो खुद ही बच्चों को अच्छी लगने लगती है। बिल्कुल जी। डॉक्टर प्रेरणा जी, नई शिक्षा नीति में जो आज संगीत का भी एक भाव आया है, क्या है वो? ये तो मैंने बताया आपको कि मुझे बड़ा अच्छा लगा जब नई शिक्षा नीति लॉकडाउन के टाइम पे ये नई शिक्षा नीति आई थी। और उस टाइम मैंने, क्योंकि हमारे म्यूज़िक में बच्चे आते हैं, मैडम करियर नहीं है इसमें, सब्जेक्ट कैसे लें, तो उन्हें ये समझाना बहुत मुश्किल होता है कि मतलब ये तो जीवन का सत्य है कि आपको पैसा तो अर्न करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, है ना। तो बिना पैसे के तो आप जीवन व्यापन नहीं कर सकते, क्योंकि जब आपकी जो शरीर को आवश्यकता है भोजन की, उसकी पूर्ति के बाद आप मन पे पहुंचते हैं जी। है ना, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं उनको ये नहीं कह पाती थी कि नहीं बेटा इसमें बहुत अच्छी नौकरियां हैं या बहुत ज़्यादा हैं नौकरियां, लेकिन उतना जैसे जितनी कंप्यूटर्स में है, जितनी और दूसरे फील्ड में है, उतनी नहीं है। लेकिन जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये आया कि आप 3 सब्जेक्ट्स के साथ एक सब्जेक्ट अपनी मर्जी का चॉइस बेस्ड भी ले सकते हैं, बहुत बढ़िया। तो ये आप, ये तो मुझे लगा कि ये उनके लिए सपोर्ट सिस्टम की तरह है। आप अगर आप कंप्यूटर्स में काम कर रहे हैं, तो अगर आप म्यूजिक लेके काम कर रहे हैं, तो आप बेहतरीन काम करेंगे कंप्यूटर्स में, और मे भी आप कंप्यूटर की मदद से म्यूजिक में बहुत अच्छा काम कर जाएं, क्योंकि वो आप टेक्निकली, टेक्निक से अगर हम शास्त्रीय संगीत को जोड़ते हैं तो वो बहुत नई ऊंचाइयों पे पहुंचेगा। और अभी लोग इस पे एक्सपेरिमेंट कर भी रहे हैं, कंप्यूटर्स में बहुत अच्छी अच्छी रागें पूरी आप बना भी लेते हैं, और बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटर्स वाले म्यूजिक से जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो कर रहे हैं काम। तो इसलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी से मुझे बहुत सारी उम्मीदें, अभी शुरू हुई है और लग रहा है कि इस साल बच्चे चॉइस बेस्ड में भी कुछ लेंगे। पीजी में भी हमारे यहाँ एक पेपर एक्स्ट्रा ऐसा होता है कि, तो दूसरे जितने भी पीजी डिपार्टमेंट्स हैं उनको थोड़ा सा इंटरेस्ट होता है कि चलो म्यूज़िक में देखते हैं क्या है। तो ये देखने की प्रक्रिया में मुझे लगता है कुछ देख देख के ही बच्चा सीख जाए, तो जो अच्छी चीज़ है हमारी संस्कृति में वो खोए ना, इसके लिए एक ये अच्छी पहल। बिल्कुल डॉक्टर प्रेरणा जी, संगीत भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है। यदि स्कूलों में भी शिक्षक तैयार किए जाएं तो काफ़ी कुछ शिक्षा संगीत के प्रति लगाव बढ़ सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपका क्या मानना है, सरकार से क्या मांग करती है आपकी प्राइमरी सेक्शन से शिक्षक होना चाहिए? बहुत बड़ी मतलब बहुत करबद्ध प्रार्थना है सरकार से, और सरकार इन दिनों संस्कृति से काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा काम कर रही है सरकार। तो संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, हमारी जो इतनी अमूल्य धरोहर है उसको बचाने के लिए हमारे बहुत ज़रूरी है कि हम अपने, प्राइवेट स्कूल वाले तो अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में भी हर स्कूल में संगीत शिक्षा कंपलसरी हो, हर बच्चा संगीत सीखे। तो वो उसके लिए शिक्षक, उसके लिए आप एम्प्लॉयमेंट भी म्यूज़िक वालों के लिए होगा, जो संगीत वाले जो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं कि हमारे पास खाने के लिए नहीं है, हम मतलब इस फील्ड को ही छोड़ रहे हैं, तो ऐसे तो संस्कृति भी ख़त्म हो जाएगी। आप जो इतना अच्छा, जो अगर आप शास्त्रीय संगीत में आप रागों को पढ़ें ना आप, तो ये लगता है कि इतना ज़बरदस्त काम कैसे किया होगा, इतना रिसर्च वर्क, इतना माइन्यूट, इतना साइंटिफिक कैसे बनाई रागे, क्योंकि परफेक्ट काम किया हुआ है। तो ये सब बचेगा जब हम बढ़ावा देंगे। तो सरकार से मेरी प्रार्थना है कि हर स्कूल में, हर कॉलेज में अधिक से अधिक डिपार्टमेंट्स इसके खोले जाएं, और इंस्ट्रूमेंटल में भी, गायन में भी, वादन में भी, तबले में, नृत्य में, सब में बच्चों को शिक्षा दी जाए शास्त्रीय संगीत की जी। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। डॉक्टर प्रेरणा जी, राग और स्वर का संगीत में बहुत बड़ा महत्व है जी। किस तरह की रागें और स्वर, थोड़ा सा समझाएं। रागें जैसे हमारे यहाँ जो समय सिद्धांत है संगीत जी, में जी, समय के हिसाब से रागें, जैसे आप सुबह उठते हैं
तो आपको क्या गाड़ियों के हॉर्न सुनने पसंद आएंगे? नहीं आएंगे ना, है ना? बिल्कुल ऐसे लगेगा कि अच्छी हल्की कहीं बांसुरी बज रही हो, तो मैम, वो सूदिंग। या आपको सुबह की जो आवाज़ है, आप इस टाइम भी अगर आप सुनेंगे चिड़ियों के चहकने की आवाज़, बिल्कुल, या वो एक अलग फ्रिक्वेंसी होती है बहुत बढ़िया, जिसको हम फील कर पाते हैं, तो उस फ्रिक्वेंसी को शास्त्रीय संगीत ने पकड़ा हुआ है। बहुत तो बढ़िया, हमारे सुबह के राग अलग हैं, फिर टाइम जोन के हिसाब से रागों के स्वर बदलते जाते हैं। जी तो सुबह वाले जो हम राग गाते हैं वो कोमल ऋषभ और कोमल धैवत वाले राग हैं। जी राग भैरव से, शिव की आराधना से शास्त्रीय संगीत का बिल्कुल आरंभ होता है। तो शिव आराधना राग भैरव से वो उस समय में वो ही अनुकूल लगता है। बहुत ऐसा नहीं बढ़िया, है, कई लोगों ने इस पे बहस भी हुई कि समय सिद्धांत बेकार की बातें हैं, इस टाइम क्या ये राग नहीं गा सकते। हर समय हर राग गा सकते हैं, लेकिन समय के हिसाब से आपकी जो आवाज़ है, आप इतना देर रात भर आपने गला बैठा हुआ है, एक बिल्कुल राग उगते हुए सूर्य का, जैसे लाल रंग सुबह का अलग होता है, शाम का शाम अलग का होता लग रहा है ना, पूरा माहौल अलग होता है, आप उसको फील कर सकते हो, आप उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। बिल्कुल तो शास्त्रीय संगीत में भी रागों के स्वरों को, यही मैं कह रही हूँ कि इतना साइंटिफिकली बनाए गए राग हैं कि आप उनको फील कर सकते हो कि इससे अच्छा समय इसके लिए कोई नहीं हो सकता था। बिल्कुल तो कोमल रेधा वाले राग हैं वो थोड़े गंभीर प्रकृति के होते हैं, जी कोमल गंधार और निषाद वाले राग हैं वो थोड़े चंचल प्रकृति के होते हैं। जी जी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध राग जिसमें अधिकतर गाने बने हैं, रात्रि के प्रथम प्रहर में गाया जाता है, जिसमें अधिकतर प्रोग्राम्स हमारे स्टेज परफॉर्मेंसेस रात्रि के प्रथम प्रहर में शाम को बिल्कुल 8 बजे बिल्कुल ऐसे होते हैं। तो बिल्कुल राग यमन है जो अधिक लोगों को, सबको पता है राग यमन, काफ़ी लोगों को पता है जो थोड़ी भी जानकारी रखते हैं। तो जी इस तरह से बहुत से मतलब असंख्य राग हैं और बहुत सुंदर सुंदर राग हैं। डॉक्टर प्रेरणा जी, आप विभागाध्यक्ष हैं जी राज के कन्या महाविद्यालय में, तो काफ़ी सालों से हैं, तो किस किस जो विदा किए बच्चे संगीत से निकले हैं बाहर? हमारे यहाँ दो दोनों चलते हैं, शास्त्रीय गायन और जी शास्त्रीय वादन, जी तो दोनों में ही बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। और ऐसा भी है कि बहुत अच्छी अच्छी जगह पे लोग बच्चे पहुँचे हैं, जी हमारे यहाँ से म्यूज़िक का बेस बना के रेलवे में भी गए हैं बच्चे। बहुत बढ़िया तो ऐसा नहीं है कि केवल संगीत शिक्षक ही आप बन सकते हैं, दूसरी जगह भी आपको इम्पोर्टेंस मिलती है उस चीज़ की, बिल्कुल कि अगर आपने बहुत सारा अपनी परफॉर्मेंसेस दी हैं, आप उस लेवल के कलाकार हैं, तो बहुत सारे ऑफिसेज में आपको उसका एक्स्ट्रा वेटेज मिलता है। जी तो इस तरह से अपने दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जब आप इंटरव्यू देते हैं तो आप उस तरफ मोल्ड हो जाते हैं। तो बिल्कुल बच्चे शिक्षक तो बने ही हैं, साथ साथ अपने अपने किसी ने स्कूल में भी ज्वाइन किया, कोई प्राइवेट भी सिखाते हैं, किसी ने अपना स्कूल खोला हुआ है, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं और वो अधिकतर खूब कॉन्फिडेंट बच्चे हैं और कॉलेज एजुकेशन में भी चले गए। काफ़ी बच्चे जी पीएचडी कर रहे हैं, हमारे यहाँ से बहुत सारे बच्चे पीएचडी कर रहे हैं अच्छा म्यूज़िक में, जेआरएफ भी ले रहे हैं, नेट भी ले रहे हैं, नेट क्लियर किए हुए बच्चे हैं बहुत सारे। बहुत बढ़िया तो एक बड़ा अच्छा रिच डिपार्टमेंट है हमारा, जिसमें हम सब लोग मिलके काम करते हैं। तो शास्त्रीय गायन, शास्त्रीय वादन और नृत्य भी अगर धीरे धीरे खुल जाए तो बहुत ही बहुत रिच हो बढ़िया जाए। डॉक्टर प्रेरणा जी, आप सितार वादन की महारत हैं मारत तो नहीं यानी आप थोड़ा सा सितार वादन के बारे में दर्शकों को बताएं कि ये कहाँ से इसका उत्पत्ति हुई और किस कब से आप इसमें इससे जुड़ी सितार वादन से, और आपके गुरु कौन रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सितार जो बहुत सुंदर वाद्य है जी और मीठा वाद्य है, बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइज करने के बाद हम सितार तक आए। जी जी उत्पत्ति तो वीणा से ही है, जी क्योंकि जितने भी शास्त्रीय संगीत में जितने भी वाद्य थे, जी तंत्र वाद्य बोलते हैं हम जी इनको, जी जिसमें तार लगे होते हैं, तो वो सब वीणाओं की श्रेणी में आते थे। तो ये वीणा का ही एक इम्प्रोवाइज्ड रूप है,
कहा जाता है कि अमीर खुसरो साहब ने इसको इम्प्रोवाइज किया, कुछ हद तक इम्प्रोवाइज किया खुसरो साहब ने भी, लेकिन उससे पहले ही ये काफ़ी इम्प्रोवाइज हो चुका था। जी जी, उससे पहले के भी हमें मूर्तियों में और इनमें काफ़ी प्रमाण मिलते हैं। भाई सरस्वती के, सरस्वती वीणा जो है, हाँ जी, हाँ हाँ बिल्कुल, वो वीणा वीणा का ही इम्प्रोवाइज। जी जी जी, तो अभी बहुत अच्छा, मतलब यहाँ से तो इसकी वो हुई। और अगला क्वेश्चन आपका ये था कि मैंने मेरे गुरु, हाँ आपके गुरु कौन थे? हाँ, तो सितार में मेरे गुरु तो हैं डॉक्टर कविता चक्रवर्ती, मेन मतलब जिनसे मैंने सीखा जी, है जी, जी। जोधपुर विश्वविद्यालय में उन्होंने, अब तो रिटायर हो गई हैं वो, और लेकिन अभी भी मुझसे लगातार जुड़ी हुई हैं, और मैं अभी भी उनसे कहती हूँ कि मैं आपके पास आके सीखूँ, क्योंकि हमें तो अभी भी मतलब इतने साल बाद दूसरों को लगता है कि हमने सीख लिया, पर हमें लगता है कि हमने कुछ भी नहीं सीखा, बहुत अभी बहुत कुछ बाकी है सीखने के लिए। तो बहुत गुरुओं की तो एक लंबी सी फहरिस्त है, उसमें मेन नाम डॉक्टर कविता चक्रवर्ती जी हैं। मैंने जोधपुर विश्वविद्यालय से डॉक्टर ज्योत्सना इचलकरंजीकर जी से भी सीखा जी। उनके फादर और दादा साहब इचलकरंजीकर की उनको उपाधि मिली थी महाराष्ट्र से जी। तो और भी इसके अलावा गुरुओं की श्रेणी में मैंने जोधपुर आकाशवाणी में भी काफ़ी टाइम में रही, तो उन लोगों से भी मैंने थोड़ा थोड़ा सीखा सबसे। और अब सृष्टि तो उसके हर चीज़ से, हर चीज़ गुरु है मेरी जी, जी। तो डॉक्टर प्रेरणा जी, आज के जो परिप्रेक्ष्य में बच्चे जिस तरह का कदम उठा रहे हैं, तो इसको रोकने के लिए संगीत एक बहुत बड़ा माध्यम है, तो आज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे संगीत के माध्यम से? स्पेशली जब जो परिप्रेक्ष्य में समझ रही हूँ आपका, कोटा से जो जुड़ी हुई घटनाएं जो हो रही हैं, छात्र छात्राओं की, बिल्कुल, जो इतना अच्छे स्टूडेंट्स, बड़ा मुझे आजकल की युवा पीढ़ी को देख के बहुत खुशी होती है, और इतने मेहनती बच्चे हैं और इतने दिमाग वाले बच्चे हैं कि हमारी पीढ़ी से बहुत अच्छे बच्चे हैं। और मतलब हमारे देश की एक क्रीमी लेयर है जी, जो देश की उन्नति में एक बहुत बड़ा योगदान दे सकती है, बहुत बड़ा है ना, जो अपना घर छोड़ के पढ़ने के लिए पूरे तन मन धन से पढ़ने के लिए आते हैं, लगते हैं। लेकिन मुझे बड़ा बहुत मन से आहत होती हूँ मैं जब भी पेपर में आता है कि इस तरह की कोई घटना हो गई, बच्चा घबरा गया पढ़ाई से और उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। तो जीवन का मूल्य ना बहुत ज़्यादा है, जीवन कोई IIT और NET और NIT और इनसे कोई आप उसका तुलना नहीं कर सकते हो। अगर IIT आपको नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जीवन में कुछ नहीं पाया जी। या IIT मिल गया तो आपने जीवन में सब कुछ पा लिया। तो बच्चों के मन से ये निकालने के लिए, अभी हम लोग डिपार्टमेंट में यही बात कर रहे थे कि इस बार हम एक ऐसा ग्रुप बनाए जी, जी। जो बच्चों को मोटिवेशन करने के लिए हर हफ्ते उनको सिखाने के लिए जाएं और म्यूज़िक के साथ उनको थोड़ा सा मोटिवेट भी करें, संगीत के साथ साथ उनको बताएं कि बेटा ये केवल पढ़ाई नहीं, आप संगीत के साथ भी जुड़ो तो आप ये जो परेशानियां हैं ना इन सब से निकल जाओगे। तो अभी केवल पढ़ाई के अलावा बच्चे और भी चीज़ों में, यहाँ पे मैंने देखा है कि ड्रग्स में, या फिर किसी पैसा नहीं है तो उस पैसा कमाने के चक्कर में दूसरी चीज़ों में लिप्त हो जाते हैं, दूसरे फंस जाते हैं। वो इतनी टेंडर एज है बच्चों की, और ये वो बच्चा है जो 12th में बहुत अच्छा कर रहा था, या 8th या 9th से आ रहे हैं, ये वो बच्चा है जो अपनी क्लास में सामने वाली बेंच पे बैठता था, बिल्कुल, जो टॉप प्लेयर है। तो वो वाले बच्चों को अगर हम सही दिशा दें तो मुझे लगता है ये हमारे पूरे कोटा नगरी का, सबका ये कर्तव्य है कि इन बच्चों को सही रास्ता दिखाए, और ये करेंगे तो जीवन में बहुत कुछ है करने के लिए। और ये संगीत, मुझे लगता है संगीत सीखेंगे तो इन्हें जीवन का
एक्चुअल उद्देश्य पता चलेगा कि केवल पढ़ना पढ़ना नहीं है, आपको आपकी आत्मा की संतुष्टि के लिए, आपको आत्मोत्थान के लिए ये शरीर मिला है, आपको अपने उद्देश्य बहुत बड़े बड़े हैं उनको भी पूर्ण करना है। पढ़ाई में भी आपको म्यूजिक साथ, ऐसा नहीं कि संगीत मैं सिखा रही हूँ तो उनको कह रही हूँ आप पढ़ो मत, केवल संगीत सीखो जी। आपके पढ़ाई में सपोर्ट के लिए आपका जो मैथ्स आप कर रहे हो, आप जो फिजिक्स कर रहे हो, आप केमिस्ट्री कर रहे हो, उसको सपोर्ट के लिए आप संगीत को भी साथ लो, तो आप अपना एक्सेल करोगे उसमें भी और अपने जीवन में भी एक्सेल करोगे। इस हफ्ते की स्पेशल गेस्ट डॉक्टर प्रेरणा शर्मा, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय